इस बीच कुछ स्टॉक्स जिस पर अभी भी मूव अच्छा सस्टेन कर रहा है, अपर सर्किट पर क्विक हील करीब 20% ऊपर है, ग्लोबल स्पिरिट्स आज के हमारे रेकमेंडेशन ये अभी 20% ऊपर होल्ड करते हुए, और कुछ काउंटर्स जिस पर अच्छा मूव इस समय देखने को मिल रहा है, इसमें एक तो आइनॉक्स विंड ये 17% ऊपर, टाटा स्पॉन्ज 16% ऊपर, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स 15% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए, आज वन लाइफ कैपिटल पर अच्छा मूव देखने को मिला है अमंग NBFCs, ये करीब 12% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। बाकी स्टॉक्स में उषा मार्टिन है, एजीस लॉजिस्टिक्स इन पर अच्छा मूव है, टाटा मेटालिक्स करीब 11% ऊपर है, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर आज अच्छा मूव देखने को मिला। यूनिटी इंफ्रा और एक काउंटर है, और साथ ही नेटको जो कि करीब 10% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए, पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स और एक हैवी मूवर ये करीब 9% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए, और साथ ही महिंद्रा CII ऑटो ये करीब 8% ऊपर। लेकिन इंटरेस्टिंग स्टॉक है महिंद्रा CII, बिकॉज एक तो एक कंपनी अगर आप देखें और इनकी साइज और स्केल को देखें तो इट इजीली क्वालिफाइज फॉर अ मल्टीनेशनल, खासकर इनका जो यूरोपियन एक्विजिशन था उसके साथ जो रिस्ट्रक्चरिंग इन्होंने की है उसके बाद, और वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखें तो ये शायद अभी भी अट्रैक्टिव लेवल्स पर मिल रही है। आशीष, आपकी सलाह ऑटो एंसिलरी में और साथ ही महिंद्रा CII पर क्या है? देखिए, महिंद्रा CII मुझे इस लेवल पे अच्छा नज़र आता है। यदि आप स्टॉक का 52-week हाई लो देखें तो 320 रुपये इस स्टॉक ने पिछले साल में उच्चतम स्तर बनाया था, और उसके बाद में करेक्शन में स्टॉक ऑलमोस्ट 160 तक वापस आया, और आज पहला दूसरा दिन ही है जब स्टॉक ने दोबारा से मोमेंटम पकड़ा है, और अभी भी 5,500 या 5,700 करोड़ इसका मार्केट कैप होगा। मुझे लगता है इस स्टॉक में काफ़ी वैल्यू है, और यदि आप ऑटोमोबाइल सेक्टर की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा तो महिंद्रा CII विल बी वन ऑफ द वेरी गुड मैनेज कंपनी एंड वेरी गुड प्ले एज फार एज उनके जो प्रोडक्ट है, उनके पास में जो एक्विजिशन उन्होंने किए हैं और जो प्रोडक्ट बास्केट है, तो बिल्कुल 180 रुपये पे मैं इसको स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहता हूँ। मेरा मानना है स्टॉक जल्दी 225-230 रुपये का लेवल छू सकता है। चंदन, एक ट्रेड जो का आपके लिए कल के लिए, इनफैक्ट मैं पूछूंगा आपसे, लेकिन अब क्लोजिंग का वक्त आने वाला है तो मैं रादर लार्ज कैप से मैं आपके आपका जो आउटलुक है वो मिड कैप पे पूछना चाहूंगा इसी पे, क्योंकि मिड कैप में 2-3 स्टॉक्स जो कि बहुत बहुत शानदार मूव के साथ जा रहे हैं, उसमें तो ग्लोबल स्पिरिट्स है, फिर आप एक देखिए काउंटर जिसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा वो डेल्टा कॉर्प, JCT जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, ये तीन स्टॉक्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइस टच, इन तीनों में से कोई काउंटर एक जिस पर आप सहमत हो? जी हाँ, जुबिलेंट फूड हम यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव इंस्टेंस देख रहे हैं, हालांकि काउंटर 15% बढ़ चुका है, बट फिर अभी भी मानना है कि यहाँ से 10% तक की मूवमेंट बन सकती है। काउंटर ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉल्यूम देखा है और एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी देखा है, तो मेरे हिसाब से ये काउंटर काफ़ी बेहतरीन है, ऊपर में 85 तक के लेवल पर छूने को मिल सकते हैं। जी हाँ, चलिए अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, बाजार को देखते हैं एक बार। निफ्टी इस दौर के अपने नए सर्वोच्च स्तर पर 7473, दैट मीन्स अब हम ऑलमोस्ट फरवरी के इनिशियल हाइस को छूने जा रहे हैं। याद रखिए वो ऑलमोस्ट 7510 की ट्रेजेक्टरी थी। फरवरी में कितना बड़ा स्विंग आप देखिए, 6825 का लो, 7500 का अगर आप देखें हाई, और हम मार्च के फर्स्ट वीक में एक बार फिर से रिविजिट करने जा रहे हैं 7500 को। एक बार सारे इंडस्ट्रीज दिखाइए, जितने भी इंडस्ट्रीज जिन्होंने आज इस मूव में पार्टिसिपेट किया। बैंक निफ्टी थोड़ा सा शाई था आज, 15000 के ऊपर बहुत स्ट्रांगली कैपिटलाइज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 15000 की ट्रेजेक्टरी को उसने होल्ड किया। लेकिन आज दमखम था ऑटो इंडेक्स में करीब 340 अंकों पर, और मेटल्स शॉर्ट कवरिंग, और आई थिंक इसका सबसे शानदार अगर आज कोई प्राइस परफॉर्मर था वो था टाटा स्टील, 20 रुपए का मूव। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंडस्ट्रीज को देखते हैं, उसमें सेकंड स्लाइड में आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें तो आज एक कैपिटल गुड्स शानदार मूव और लगभग 511 अंकों पर। देखिए आज के इस प्राइस बिहेवियर को देख के एक और चीज़ फीलिंग आती है कि तेज़ी तो बाजार में है ही, लेकिन मंदड़िया अगर आप देखें इस वक्त पैनिक में है। खैर आगे बढ़ते हैं, जरा स्टॉक स्पेसिफिक होते जाते हैं। जिन स्टॉक्स में आज काफ़ी अच्छी खासी तेजी थी इसमें अगर आप देखें तो वेदांता आज ऑलमोस्ट 7.5% ऊपर, उसके बाद LNT को देखें 72 रुपये ऊपर, 1210 के स्तर पे लगभग 6.5% ऊपर रहा। BHEL 103 के स्तर पे कारोबार करता हुआ शानदार मूव यहाँ पे। टाटा मोटर्स लगभग 335 पे लगभग 18 रुपये ऊपर। टाटा समूह के सारे काउंटर्स में अच्छी तेजी थी। हिंडाल्को, डॉक्टर रेड्डीज, NMDC 4.5 रुपये ऊपर, और ICICI बैंक थोड़ा सा बैकफुट पे रहा। अल्ट्राटेक सीमेंट थोड़ा सा बैकफुट पे रहा 35 रुपये नीचे आज। तो ये रहे आज इंडेक्स के कुछ स्मार्ट प्राइस परफॉर्मर्स। जी एंटरटेनमेंट बैकफुट पे था, और लुपिन अगर आप देखें तो करीब 5 रुपये नीचे आज रहा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेक्टर्स को देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से।
देखिए सुबह इसने थोड़ा सा अनवाइंडिंग मोड में आ गया था, लेकिन फिर से आप देखें जंप करके ऊपर आया 184 की ट्रेजेक्टरी पे। और एक्सिस बैंक, आईडीबी बैंक, ये कुछ और काउंटर जहां पर आज काफी स्ट्रेंथ रही। जरा सेक्टर वाइज एक बार मूव देखते हैं आज के कुछ स्टार प्राइस परफॉर्मर्स। ग्लोबल स्पिरिट्स, साथ ही साथ जस्ट आर, एनोक्सबेन, सुजलो एनर्जी और नीको। नीट को अगर आप देखें कुछ काउंटर जहां पे काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी। उसके बाद लोकेश मशीन्स, डेल्टा कॉप, महिंद्रा सीआई, एड लैब्स और क्यूक्रिल, कुछ काउंटर जहां पर काफी स्ट्रॉन्ग मूव था। मिहिर जी हाँ बिल्कुल, चलिए बाजार बंद होने की कगार पर है और करीब 45 सेकंड इस समय बाजार बंद होने में बाकी है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं निफ्टी के जो गेनर्स हैं उसमें सबसे ज्यादा रुझान अच्छा कहां पर देखने को मिल रहा है। जो आखिरी चरण के टिक्स आ रहे हैं इसमें इस समय मेटल स्टॉक्स में काफी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। इंडेक्स अपने हाई पर क्लोज करने की तैयारी में 7473 पर, और एक समय इनफैक्ट ये 7480 तक भी गया था। सारे ही स्टॉक्स जहां पर अच्छा मूव देखने को मिला इसमें लेड बाय वेदांता, ये 7% ऊपर है। टाटा स्टील, एलएनटी, बीएचईएल, डॉक्टर रेड्डीज, इन काउंटर्स पर काफी अच्छा मूव देखने को मिला। टाटा ग्रुप के तो सारे ही शेयर्स में काफी अच्छा मूव था, साथ ही हिंडालको करीब 5.5% ऊपर था। गेल, केन इंडिया, बॉश, भारती एयरटेल, बजाज ऑटो, एचडीएफसी, सन फार्मा, इन सारे ही स्टॉक्स पर काफी अच्छा मूव देखने को मिला था। और आज अच्छी चीज ये हुई है कि इसी तरह से हमने पैक्स में तेजी देखी है कॉर्पोरेट हाउसेस में, चाहे वो एडीएजी ग्रुप के स्टॉक्स हो, टाटा ग्रुप के स्टॉक्स हो, पीएसयू बैंक्स का पूरा चंक हो, इन सब में काफी अच्छा मूव देखने को मिला है वीरेंद्र जी। हम चलिए कुछ और बैंक्स तो अगर आप देखें थे ही आज कमाल के, हालांकि इंडेक्स से बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ा। और कुछ एक दो स्टॉक्स को देख लेते हैं, एमआरपीएल, गेल, ओएनजीसी, आईजीएल, शानदार मूव इन सभी स्टॉक्स में अगर आप देखें काफी अच्छा खासा मूव। उसके बाद जो स्टॉक्स आज नहीं कैपिटलाइज कर पाए सर, आप देखिए इसका मैं अपोलो हॉस्पिटल्स, इपका लैब, एसकेएस माइक्रो फाइनेंस, रुशील रिकॉर्ड, पीसी ज्वेलर्स, ये कुछ काउंटर जो कि आज बैकफुट पे, डिसाइसिवली बैकफुट पे खड़े थे। उसके बाद क्यूमिंस इंडिया, एल्स्टॉम, टीएनडी, बीएचएल, एलएनटी, कैपिटल गुड्स का तो अगर आप देखिए जवाब ही नहीं। और कैपिटल गुड्स में स्पेशली एलएनटी अगर आप देखें आज लीडरशिप इसके हाथ पे थी। आईटी शोरूम में केपीआईटी, एनआईटी टेक्नोलॉजीज, क्यूकहिल, टीसीएस, ज्योमेट्रिक शानदार मूव के साथ। लॉजिस्टिक्स को देखिए एक बार फिर से अगर आप देखें कैपिटलाइज करते हुए, और इसमें आज जिसने सबसे ज़्यादा दमखम दिखाया वो था स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, गेटवे डिस्ट्रिक्स, गति, सिकार लॉजिस्टिक्स, पटेल इंटीग्रेटेड, काफ़ी शानदार मूव इस काउंटर में था। उसके बाद चुनिंदा ऑटो शेयर को देखिए, टाटा मोटर्स 6.25% ऊपर, फोर्स मोटर्स, एमएनएम, बजाज ऑटो, हीरो मोटर कॉप लगभग 12% ऊपर रहा। उसके बाद अगर आप कुछ पावर शेयर को देखें तो उसमें अदानी ट्रांसमिशन, सुजलॉन, रिलायंस इंफ्रा, ओरिएंट ग्रीन और रिलायंस पावर जैसे कुछ स्टॉक्स जहां पर आज काफ़ी डिसेंट मूव था। इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, पटेल इंटीग्रेटेड, मान इंफ्रा, एनसीसी, और उसके बाद आईटीडी सीमेंटेशन, जय कुमार इंफ्रा, ये सारे के सारे स्टॉक्स आज शानदार मूव लेके बंद हुए आज। तो मैं इस क्लोजिंग पर आपकी शानदार क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। बाजार लगातार 4 दिनों से यहाँ पे हाई राइज बना रहा है। अब जब तक ये प्रीवियस लो है 4.7406 जब तक वो होल्ड करता है तब तक ये मोमेंटम कंटिन्यू बन सकता है, ऊपर में 7550 अब रेडार पे रहेगा। लगातार तीसरा दिन है बजट के बाद से जब बाजार में काफी अच्छा मूव देखने को मिला है। आशीष, अच्छी तेजी के साथ बाजार फिर से एक बार बंद हुआ है, ऑब्वियसली जैसे जैसे तेजी एक्सटेंड होगी भरोसा और बढ़ेगा, शॉर्ट कवरिंग और तेज होगी, एंड प्रोबेबली द फ्रेश पीपल विल स्टार्ट कमिंग इन। आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी कल के ट्रेड पे? बिल्कुल मेरा सजेशन रहेगा कि बाइंग साइड पे ही ट्रेड करना चाहिए, कोई शॉर्ट पोजीशन अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई अभी ग्लोबली ऐसे फैक्टर निगेटिव नहीं है। आज भी आप देखिए यूरोपियन मार्केट थोड़ा सा लैकलस्टर ट्रेड कर रहे थे, उसके बावजूद भी भारतीय बाजारों ने अपनी गेन को गिव अप नहीं किया। और उसके अलावा चूंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स भी बाइंग मोड पर है, तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे सेक्टर या बहुत सारे स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स ने भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। तो मेरे सलाह रहेगी कि निफ्टी में बिल्कुल बाइंग की पोजीशन ली जा सकती है, कल एक गैप अप ओपनिंग भी मिल सकता है। बैंक निफ्टी में अभी मैं नई बाय करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, बट मेटल स्टॉक मेरे फेवरेट यहाँ पे पिक्स होंगे जी। तो मेटल स्टॉक्स अगर आप देखें आपके फेवरेट स्टॉक्स रहेंगे, लेकिन अभी तक का मिहिर अगर आप जो घटाना करें तो सोमवार का लो और आज का हाई 650 अंकों का पुल बैक, कल ये 700 का हो जाएगा, 750 का हो जाएगा या फिर घट के 600 का रह जाएगा, उम्मीद यही करिए कि 700-750 का होगा। क्यों मिहिर? बिल्कुल, बाजार चौंकाता है चाहे नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ, फॉर्चुनेटली ऊपर की तरफ चौंकाने के मूड में है। अंतिम बाजी को यहीं खत्म करते हैं, शुक्रिया आशीष आपका और चंदन आपका हमारे इस बातचीत में शामिल होने के लिए।